फर्स्ट सेंटेंस इज मैं खुश हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे आई एम हैप्पी। बट अगर आपको बोलना है मैं खुश रहता हूँ तो आप बोलोगे आई रिमेन हैप्पी। मुझे भूख नहीं है, आई डोंट हैव एपिटाइट। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग। उसका नाचने का मन नहीं है, शी डजेंट फील लाइक डांसिंग। यह मेरी बेवकूफ़ी थी, इट वॉज फुलिश ऑफ मी। मेरा जन्मदिन जनवरी में आता है, माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी। इस बार क्या हो गया, वॉट वेंट रॉन्ग दिस टाइम। चलो खुली हवा में चलते हैं, लेट्स गो आउट ऑफ डोर्स। वह काबू में नहीं है या फिर वह नियंत्रण में नहीं है, ही इज आउट ऑफ हैंड। वह उखड़ा उखड़ा लग रहा है, ही इज लुकिंग सलन। सच्चाई से हटो मत, डोंट ट्राई टू वार्प आउट। रोहन हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति है, रोहन इज अ यस मैन। वह डर से चीख पड़ी, शी येल्ड विथ फियर। तुम अभी तक यहीं हो, यू आर येट हियर। यह अपराध है, दिस इज रॉन्ग डूइंग। मैं पूरी तरह भीग गई हूँ। इस सेंटेंस को दो तरह से बोल सकते हैं, आई एम सोक्ड या फिर आई एम वेट थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूरी तरह से। वह पूरा दिन मेरे साथ था, ही वॉज विद मी थ्रू आउट द डे। वह मेरी पेन लेकर चला गया, ही हैज गॉन अवे विद माई पेन। मैं समझा नहीं, आई डेंट गेट यू। हाँ अब मैं समझ गया, यस आई गॉट इट नाउ। मैं उससे तंग आ चुका हूँ या फिर मैं उससे पक गया हूँ। आई एम फेड अप विद हिम या फिर हम बोल सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ हिम। ये ध्यान रखना है कि टायर्ड अगर यूज़ करते हैं तो टायर्ड ऑफ होगा, और अगर फेड अप यूज़ करते हैं तो फेड अप विद होगा। तुम कहीं और क्यों नहीं हो आते, वाई डोंट यू मेक अ मूव। हम अगले सप्ताह नए घर में जा रहे हैं, वी आर मूविंग इन नेक्स्ट वीक। आप मुझे पूरी कीमत बताइए, टेल मी द ग्रॉस अमाउंट। तुमने तो मेरे मुंह की बात कह दी, यू टुक द वर्ड्स आउट ऑफ माई माउथ। उसने जमीन आसमान एक कर दिया, ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ।